कॉर्पोरेट शो में लेके जाना था, पर पता नहीं क्या कारण है, वहाँ से टाइमिंग नहीं होंगे, तो अभी ये रेस्टोरेंट पे लेके आया है। तो इसमें ये इसकी जो कॉस्ट है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज, तो अपने आप ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारे ग्रुप वाले, इंडिविजुअल आइए, हम टी या कॉफ़ी देखते हैं क्या लेंगे। जी हमारे ग्रुप मेंबर्स, वी आर एंजॉइंग द डे एंड द टी एंड कॉफी। आई डोंट नो व्हाट इज द सिस्टम हियर, ये दिस इज ग्रीन टी, सीम लाइक ग्रीन टी। ये हनोई की लाइफस्टाइल ये है, ये एक हाई एंड वाला रेस्टोरेंट है, ओपन है, ये हॉकर अपना सामान बेचने के लिए आ गए हैं, एटलीस्ट अपनी मेहनत तो कर रहे हैं ना। यार मैं ही बैठे हो, मैं घिनसन पूरे घिनसन, क्या घिनसन। ये एक दूसरे टूरिस्ट के ग्रुप्स हैं, ये आ गए, जो इनका वे गाइड है, नहीं ये तो सामान बेच रहा है, तो आगे ये जो है झंडा लेके जा रही है, ये इनकी लीडर है, ये मोस्ट लाइकली सब पपेट शो को जाने वाले ही हैं। ये हम वहाँ से कॉफ़ी लेने के बाद थोड़ा टाइम था, तो मैं इस लेक के साथ वॉक कर रहा हूँ। ये हनोई का अपना एक डिफरेंट ही चार्म है, एशियन कंट्री में जैसा होता है, इंडिया से काफ़ी कल्चर मिलती जुलती है इनकी। तो ये लेक के बीच में ये एक छोटा सा पार्क है और ये बीच बनाया हुआ है, तो ओह ये आगे जो है इसको मैं करूं जूम, ये पुराना है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। ये पुराने टाइम में लेक के बीच में ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो मैं वॉक करके इस लेक के आसपास का जो एनवायरनमेंट है इसे कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। ये संडे वाला दिन है तो लोग हो सकता है छुट्टी वाला मूड हो या अदरवाइज वैसे भी आते हों। तो ये मेरी कोशिश है कि आपको दिखाने की कि यहाँ का ऐसा माहौल है, उसके दूसरी तरफ तो मॉडर्न बिल्डिंग लग रही है सारी के सारी। ये वाह, ये होता है जी एशियन कल्चर, ये कर रहा है प्राणायाम। और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखलाई थी एक महिला एक्सरसाइज कर रही थी। वाह, ये बोरा बैठा है, मैं नजदीक जाऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ा हो जाए, ये नंगा होकर बैठा हुआ है। ये घोरा नहीं है भैया, ये तो कहीं का लोकल लग रहा है, दूर से मुझे लगा था ये घोरा है, घोरा नहीं है भैया। अच्छा लगा, गर्मी है तो यहाँ पे पंखे भी इस तरीके के हैं। वाह, ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, दुनिया के सभी शहरों के बच्चे, जो यंग बच्चे सब इस तरीके के होते हैं, सेल्फी लेने का उनको बहुत शौक होता है। थोड़ा नीचे जाके यहाँ के एनवायरनमेंट को देखता हूँ, कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। वाह, एक हनोई, हनोई की यदि मैं कल्चर करने का विशेष मौका मिला है। हेलो, ब्यूटी, ये मैं ये स्ट्रक्चर जो मैंने दूर से देखा था, अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ,
तो ये नजर आता है। लेक तो थोड़ी लंबी है, तो मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। ये वाह, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट योर नेम, या ये मुझे बच्ची मिली है तो ये मेरी दोस्त बन गई है। हेलो, ये लेक के साथ ये कुछ सिग्निफिकेंस है इसकी जो मुझे समझ नहीं आ रही है। ये लेक है जी जिसमें हम दो दिन पहले आए थे शाम के टाइम, तो अब मुझे मौका मिला रात के टाइम आने में। इसके आगे वाटर पेपर थिएटर और ये बीच में बना हुआ है जी पुल सा, इसके ऊपर रात के टाइम भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये लेक की एंट्रेंस है जी रात के टाइम।